हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में। जैसे मैंने बताया, ये पार्ट टू है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का। पार्ट वन में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि वेल्डिंग क्या होता है, और ये जो कंटेंट्स यहाँ से एक से लेकर नौ तक है वो कंटेंट्स के बारे में बताया था। एक एक करके हम इसको स्टडी करेंगे। तो ये दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हमने जो पहला स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में, कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस और उसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे चैनल नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता क्या है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इज़ द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर जॉइनिंग टू पीसेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। सिंपली ये बोला गया है कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप दो या दो से अधिक मेटल को जॉइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। आप क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक करंट उस मेटल में प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो जो मेटल है उसमें हीट प्रोड्यूस हो। हीट जब प्रोड्यूस होता है तो वो मेटल मेल्ट होता है, जिसके कारण आपका एक या दो या फिर तीन जितने भी आपको मेटल्स एक साथ ज्वाइन करने हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। नेक्स्ट, द वेल्डिंग में भी वेरियस टाइप्स, एग्जांपल गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि जो वेल्डिंग है इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, और भी बहुत सारे टाइप है, पर जो मेन इंपॉर्टेंट जो टाइप्स है वो ये तीन है, गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। ठीक है, आगे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इज़ यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, वेल्डिंग टैंक्स, स्टील फ्रेम्स एंड मशीन पार्ट्स मेड ऑफ प्लेट्स। मतलब वेल्डिंग कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। वेल्डिंग आप ब्रिजेस बनाने के लिए, जो रेलवे के ब्रिजेस होते हैं वो भी वेल्डिंग के थ्रू बनाना पड़ता है, आपको जोड़ना पड़ता है बहुत सारे मेटल्स को। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस में आप वेल्डिंग यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग यूज़ कर सकते हैं। वेल्डिंग टैंक्स, जो टैंक्स होते हैं बहुत सारे, उसमें आप वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग यूज़ कर सकते हैं उसको जोड़ने के लिए। स्टील फ्रेम्स, जो स्टील के फ्रेम्स बनाए जाते हैं उसमें भी आपको वेल्डिंग यूज़ करना पड़ता है। और मशीन पार्ट्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मशीन पार्ट्स होते हैं कार के, किसी और चीज़ों के, तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक वेल्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन फॉर रिपेयरिंग, ज़्यादातर रिपेयर, जैसे कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको वेल्डिंग यूज़ करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स ख़राब हो जाते हैं वहाँ पे आपको वेल्डिंग यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, मोर ओवर वेल्डिंग इज़ मोस्ट एफिशिएंट वे टू जॉइन मेटल्स। मतलब वेल्डिंग के थ्रू आप जो मेटल है उसको बहुत आसानी से जॉइन कर सकते हैं। जो वेल्डिंग है, आप सिंपल तरीके से देखा जाए तो हम लोग जैसे सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डरिंग में भी जो चीज़ यूज़ होता है वही एक तरीके से यूज़ इसमें हो सकता है। जैसे कि हम लोग सोल्डरिंग मशीन यूज़ करते हैं, वो मेल्ट करने के काम आता है। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ रहेगा, बट डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। गैस वेल्डिंग में आप गैस यूज़ करेंगे, जैसे हमारा जो सोल्डरिंग मशीन होता है वो, उसमें आपको एक कॉयल मिल जाता है जो हीट होता है, जिसके कारण हम लोग एक फिलर मटेरियल, जो हमारा सोल्डरिंग वायर होता है, उसको आप यूज़ करते हैं मेल्ट करके जोड़ने के लिए। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, इसका जो फिलर मटेरियल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से फिलर्स मटेरियल्स होते हैं। फिलर्स मटेरियल जॉइनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ये कंज्यूमेबल होते हैं और नॉन कंज्यूमेबल होते हैं। ठीक है, आगे द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग आर रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड आर्क वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग जो दो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रेशर इज जनरली अप्लाइड, बट इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग इट इज़ अवॉइडेड। मतलब जब रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं तो हमको प्रेशर लगाना पड़ता है, मतलब किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसमें प्रेशर लगाते हैं ताकि वो जुड़ जाए आपस में। बट आर्क वेल्डिंग के केस में ऐसा नहीं होता, आर्क वेल्डिंग में ऑटोमेटिकली सब चीज़ जुड़ जाता है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। दोस्तों, ये था इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में। अब हम लोग इसका देख लेते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, मतलब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो पहला, बॉयलर एंड प्रेशर वेसल्स कंस्ट्रक्शन। दूसरा, ब्रिज कंस्ट्रक्शन। तीसरा, construction of tanks and vessels for storing. चौथा, piping and pipelines. और पांचवा, household furnitures. और जो छठवा है, repair of broken and damaged parts. ठीक है, तो normally
जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है ये बॉयलर और प्रेशर वेसल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आप बहुत सारे पार्ट्स को वेल्ड करके मतलब जोड़ के आप उसको बना सकते हैं। और दूसरा है ब्रिज कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने बताया कि रेलवेज़ के जो ब्रिजेस होते हैं उसमें आप इलेक्ट्रिक वेल्डिंग यूज़ करके उसको बनाते हैं। तीसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स एंड वेसल्स फॉर स्टोरिंग, स्टोर करने के लिए जो टैंक्स और वेसल्स बनते हैं उसके लिए आप इलेक्ट्रिक वेल्डिंग यूज़ कर सकते हैं। चौथा पाइपिंग एंड पाइपलाइन, जो पाइप्स रहते हैं बहुत सारे, जो वाटर पाइप हो गए, बहुत बड़े बड़े पैमाने में जो इंडस्ट्रीज में पाइपिंग लगती है वहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक वेल्डिंग यूज़ करना पड़ता है। और बाकी सब ये जो है रिपेयर वगैरह के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? तो पहला हम लोग जान लेते हैं कि पहला जो एडवांटेज है वो है रिपेयर बाय वेल्डिंग इज़ वेरी ईजी। वेल्डिंग को आप यूज़ कर सकते हैं रिपेयरिंग में। रिपेयरिंग में मतलब जैसे अगर आपका गेट डैमेज हो गया, कार क्रैश हो चुकी है, तो उसको आप रिपेयर करवाएंगे वेल्डिंग के थ्रू, और जो कि बहुत आसान होता है, ठीक है। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, लार्ज नंबर ऑफ मेटल कैन बी जॉइंड इन वेल्डिंग, मतलब वेल्डिंग के थ्रू आप बहुत सारे मेटल्स को, डिफरेंट और सेम प्रकार के मेटल्स को आप एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। चौथा, इट प्रोवाइड डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी, एग्जाम्पल के तौर पर अगर जो भी आपके घर में गेट लगा होगा वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन रहता है, तो उसको वेल्डिंग के थ्रू ही डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि आप किसी भी तरीके का शेप साइज और जो भी आप देना चाहे उसको दे सकते हैं, ठीक है। पांचवा, पोर्टेबल वेल्डिंग इक्विपमेंट इज़ अवेलेबल, मतलब कुछ ऐसे वेल्डिंग इक्विपमेंट्स हैं जिसको आप पोर्टेबली कहीं पे भी आप ले जा सकते हैं और वेल्ड कर सकते हैं। छठवा, वेल्डिंग मेथड ऑफ जॉइनिंग इज़ लोएस्ट कॉस्ट मेथड देन अदर टाइप ऑफ जॉइनिंग, मतलब जो वेल्डिंग मेथड है वो किसी और के मुकाबले बहुत अच्छा जॉइनिंग मेथड है और बहुत सस्ता जॉइनिंग मेथड है। सातवां, इट प्रोड्यूसेस अ परमानेंट वेल्ड, मतलब एक बार वेल्डिंग कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग तो वो परमानेंट हो जाता है। आठवां, अ गुड वेल्ड इज़ अज स्ट्रॉन्ग अज द बेस मेटल, मतलब जो नॉर्मल मेटल होता है उसमें अगर कोई डैमेज हो जाता है तो उसको वेल्डिंग करने के बाद जैसा दिखता है वो एकदम सेम टू सेम पुराने मेटल जैसा दिखता है, एकदम क्लीन और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नाइन्थ है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इज़ नीट एंड क्लीन प्रोसेस, मतलब इसमें कोई भी ऐश वगैरह, मतलब बहुत साफ़ सुथरा प्रोसेस रहता है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग बहुत साफ़ सुथरा प्रोसेस रहता है और बहुत अच्छे से ये हो जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं? तो पहला जो डिसएडवांटेज है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का वो है इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज़ हाई, मतलब जो इसका इक्विपमेंट होता है शुरुआती तौर पे जो इसका खर्चा होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ये इसका पहला डिसएडवांटेजेस है। दूसरा, वेल्डिंग प्रोड्यूसेस हार्मफुल रेडिएशन फ्यूम्स एटसेट्रा, मतलब जब भी आप वेल्डिंग करते हैं तो बहुत सारा फ्यूम निकलता है, फ्यूम मतलब धुआं जो निकलता है, और कुछ कुछ रेडिएशंस भी होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं। तीसरा, स्किल वेल्डर इज़ रिक्वायर्ड, मतलब जब भी आप वेल्डिंग करेंगे तो वो वेल्डिंग को जो इक्विपमेंट है उसको वही चला पाएगा जो स्किल्ड होगा, जिसको उसकी नॉलेज होगी। चौथा, इट ऑफन नीड इंटरनल इंस्पेक्शन, मतलब उसको बार बार चेक करना पड़ता है कि वो ठीक है कि नहीं है। पांचवा, मोर सेफ्टी डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड,